So hey, what's up, dude? Army, it's your boy Mohit, but back again with a new and a sexy video, dude. तो कैसे हो भाई और उनकी खतरनाक बहनों, आई होप सब लोग अपने घर में सेफ होंगे और थोड़ा बहुत मजे के लिए बाहर निकल भी रहे होंगे। सो, आज का हमारा वीडियो क्या होने वाला है ये आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख के बहुत अच्छे से समझ ही गए हो। सो, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू व्लॉग विद अ स्मार्टफोन। तो गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसी टिप्स जो आपको अपने व्लॉगिंग चैनल में करनी ही मतलब करनी है, ताकि आपका व्लॉगिंग चैनल अच्छे से ग्रो करे और जो कि तुम्हारा भाई भी यूज करता है और ये यूज करते करते तुम्हारे भाई के 500 सब्स हुए और आगे 1K की जर्नी भी इसी तरह पूरी करने वाला हूँ। और उसके बाद ही सोचूंगा कि मतलब कुछ अपग्रेडेशन करना चाहिए या नहीं, 1K के बाद ही होगा जो भी अपग्रेड होगा, तब तक मैं यही चीज कैरी आउट करने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट टिप आपकी आती है इसमें वो है इक्विपमेंट्स, क्या क्या इक्विपमेंट्स की आपको जरूरत है यहाँ पे और किस तरह से आपको एक बिगिनर की तरह क्या क्या चीजें जरूरी होगी। कोई ज्यादा महंगी चीज आपको यूज नहीं करनी, नॉर्मल सा एक स्मार्टफोन लेना जिसका दोनों कैमरा रियर और बैक कैमरा दोनों अच्छे हों। और मोस्टली तो आपको बैक कैमरा से ही सब कुछ शूट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको थोड़ा अच्छी क्वालिटी वगैरह मिलेंगी, 4K पे आप शूट कर पाओगे। और आजकल 14,000 के आगे वाली रेंज में हर फोन में 4K रेजोल्यूशन आपको मिलता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम्हारा भाई खुद Redmi Note 7 Pro में यूज करता है, जो कि 15,000 to 16,000 के अंदर की प्राइस रेंज वाला फोन है, नॉर्मल सा फोन है, कोई आईफोन वगैरह नहीं है। और क्वालिटी आप देख ही सकते हो, पिछले कुछ वीडियोस में शायद ड्रॉप हुआ होंगे, पर ज्यादातर वीडियोस में क्वालिटी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। उसके बाद जो चीज होती है दूसरी आपको लगेगी एक नॉर्मल सा ट्राईपॉड, जो कि गोरिल्ला पॉड है, जो कि आपको 300 से 400 रुपए में सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा अमेजोन पे अवेलेबल। यहाँ पे आपको फोटो शो हो जाएगी वो है। सो ये होने के बाद लोग सोचते हैं कि कैमरा के बिना भाई व्लॉग हो ही नहीं सकता, मतलब कैमरा है तो लोग आपकी वीडियो देखेंगे, भाई ऐसा नहीं है। आप फोन से बहुत हद तक व्लॉगिंग कर सकते हो, तुम्हारे भाई को ही देख लो, 500 सब्स कर लिए तुम्हारे भाई ने सिर्फ और सिर्फ फोन से व्लॉगिंग करते हुए। वो बात अलग है कि मेरे पास कैमरा भी है लेकिन मैं उसे बहुत कम यूज करता हूँ, मतलब ज्यादातर मैं उसे यूज करता ही नहीं हूँ। सो मैं जितनी भी व्लॉगिंग कैरी आउट करता हूँ अपने फोन से कैरी आउट करता हूँ। सो ये सब, और अगर आपको अपनी वीडियो क्वालिटी पे ध्यान देना ही है, फोन से आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी नो डाउट स्टार्टिंग के लिए। और अगर आपको लेना ही है तो एक माइक लो अच्छे सा, जितनी ऑडियो क्वालिटी आपकी अच्छी होगी लोग उतना इंटरेक्शन आपके साथ फील करेंगे और ज्यादा आपकी वीडियो देखेंगे। तो भाई, जो आपकी दूसरी टिप आती है व्लॉगिंग के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि ऑडियंस आपका वीडियो किस हद तक देखेगी और कितना देखेगी और कितना इंटरेस्ट लेगी। अगर आपने ये चीज सही कर दी तो बस फिर बाकी के वीडियो में लोगों का इंटरेस्ट आप पे बना रहेगा, जो कि है स्टार्टअप। अगर आप स्टार्टअप सही से कर लेते हो तो बाकी सब सही जाएगा। और मेनली सब लोग यहीं पे गलती करते हैं, लोग कुछ इस तरह का स्टार्टअप लेते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं अभी आया हूँ उत्तराखंड में अपना, मतलब मैं व्लॉगिंग करता हूँ जैसा कि आपको पता ही होगा। तो मैं यहाँ पे आया हूँ थोड़ा एंजॉय करने, और आप मेरे को तो जानते ही हो मैं कौन हूँ, मेरा नाम सब आपको पता ही है, पूछने की कोई जरूरत ही नहीं, मुझे पता है, बहुत ही बकवास स्टार्टअप था। अब आप लोग कुछ ये वाला स्टार्टअप देखो। तो हे व्हाट्स अप डूड, आई मीन इट्स योर बॉय मोहित, बट बैक अगेन विद अ न्यू एंड अ सेक्सी वीडियो डूड। सो गाइस, आज का हमारा व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं आया हूँ उत्तराखंड अपने वैकेशन मनाने के लिए, और अब जितने भी व्लॉग्स आने वाले वो सारे उत्तराखंड के आने वाले। तो जितने भी साहब आएंगे उत्तराखंड की सीरीज आने वाली, तो जरूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि धमाकेदार व्लॉग्स आने वाले, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो दोनों स्टार्टअप का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ ही गया होगा, तो आपको कौन सा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। हालांकि कंफर्म ये सेकंड वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से आप कोई चीज बोलो तो वो अच्छी लगती है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर स्टार्टअप कर रहे हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ, मतलब जो आपकी वीडियो में कुछ अच्छा पार्ट हो या जो कोई मेन पार्ट हो, एक वो छोटी सी क्लिप डालो, जिससे कि ऑडियंस और इंटरेस्ट लेगी आपके वो पार्ट को देखने के लिए, और उसी तरह लोग आपके पूरे वीडियोज को देखेंगे। टिप नंबर 3। तो तीसरी टिप आपकी आती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, पासा के बता, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, बहुत ज्यादा, जो कि है आपकी स्टोरी टेलिंग। आपको स्टोरी टेलिंग वीडियो में आनी ही चाहिए। अगर स्टोरी टेलिंग में मास्टर कर लिया भाई आपने, मतलब फिर आपके वीडियोस कतई जहर, मतलब ऐसे जाएंगे आपके व्लॉग्स, मतलब बता नहीं सकता। स्टोरी टेलिंग आपको मास्टर करना ही है, मतलब कुछ चीजें, मतलब आप अपने वीडियोस में ऐसा भी दिखा सकते हो, मतलब छोटी छोटी चीजें जो आप करो उसको स्टोरी टेलिंग में भी दिखा सकते हो। हर बार जरूरी नहीं है कि बड़बड़ करते रहना व्लॉगिंग, मतलब
ट्राइपॉड पकड़ के बोलते रहना। कुछ चीजें आप ऐसे सिनेमैटिक स्टोरी टाइप बना के भी उसे दिखा सकते हो। तो बहुत जरूरी होता है स्टोरी टेलिंग करना, और उससे लोगों को पता चलता है, मतलब जो आपके व्यूवर्स है वो आप ऐसा समझते हैं कि वो खुद वो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ एक स्टोरी फॉर्मेट में कैसे आप चीजों को दिखा सकते हो। हाँ गाइस, तो ये था कुछ जो मैंने आपको एक स्टोरी टेलिंग सिनेमैटिक टाइप में दिखाई। और स्टोरी टेलिंग मतलब आपको अपना बताना भी बहुत आना चाहिए, मतलब हर बार आप ये सब नहीं कर सकते, कहीं कहीं पर आप इसको एड ऑन कर सकते हो, मतलब जब स्टार्ट कर रहे हो आप शुरू कर रहे हो तो इस तरीके से कुछ कर सकते हो। अगर मैं चाहता तो नॉर्मली बता भी सकता था, बोल सकता था कि अरे अभी मैं जूता पहन रहा हूँ, फिर जूते पहनेंगे, फिर हम ये सब लेंगे सामान, फिर निकलेंगे। लेकिन मैंने इसको एक स्टोरी सिनेमैटिक व्यू दिया तो ये थोड़ा और अच्छा दिखा, और इससे लोग आपकी तरफ आपकी वीडियो की तरफ अट्रैक्ट होंगे। टिप नंबर 4। तो जो आपकी फोर्थ टिप आती है ब्लॉगिंग के लिए, वो बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो लोग ये नहीं कर पाते, उनके अंदर इस चीज की बहुत ज्यादा कमी है, जो कि है कॉन्फिडेंस। लोगों को पब्लिकली ब्लॉग करने का कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है, लोग ट्राइपॉड पकड़ के पब्लिक में बोल नहीं पाते हैं, मतलब शर्माते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से लोगों के मन में आता है कि लोग कमेंट्स पास कर रहे होंगे, उसके आसपास के लोग जो भी हैं कमेंट्स पास कर रहे होंगे, अरे लड़का क्या कर रहा है, वो कैमरे से बात कर रहा है। सो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था जब मैं स्टार्टिंग किया था। मैंने इसको ओवरकम कैसे किया मैं बताता हूँ आपको। जस्ट आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा फील हो कि लोग आपके ऊपर कमेंट पास कर रहे हैं और आप नहीं बोल पा रहे हो कैमरा में, आपने बस इतना सोचना है, ना तो वो आपका भाई है, ना तो बहन है, ना तो रिश्तेदार है, ना तो आपकी गर्लफ्रेंड है जो आपसे कभी जिंदगी में मिलने नहीं वाली, तो भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, अपना बोलते रहो, जो आपको दिखाना दिखाते रहो, कोई टेंशन ना लो, फुल कॉन्फिडेंस में रहो। अगर आप मतलब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, अगर आप कैमरा पे झूठ भी बोलो तो ऐसे बोलो कि व्यूअर्स को ऐसा लगे कि भाई ये क्या बात बोल दी बंदे ने, ज्यादा नहीं होगा भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया नहीं, लेकिन जो है वो यही है भाई, कॉन्फिडेंस आपको उस लेवल तक रखना है। अगर आपको कभी ऐसा लगे तो आप ये अपने दिमाग में लाना बस कि आप किसी को जानते नहीं हो, ना कोई आपका रिश्तेदार है, जिंदगी में आपको कभी वो मिलने वाला है नहीं, बस आपको अपना काम करना है और निकल जाना है। फाइनली टिप नंबर 5। तो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारी 5th वाली टिप है वो है आपका आई कॉन्टैक्ट। आपका जो आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए वो आपके कैमरा के लेंस के साथ होना चाहिए, ना कि कैमरा की स्क्रीन पे। मैं आपको दिखा देता हूँ डिफरेंस, अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ अपने लेंस में देखते हुए फोन के, और अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ अपने कैमरा में देखते हुए, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस हो रहा है। मतलब एकदम से जैसे मैं स्क्रीन की तरफ आ रहा हूँ तो आपसे मेरा कनेक्शन टूट जा रहा है, और जैसे मैं लेंस की तरफ आ रहा हूँ तो फिर से वो एक बॉन्ड एक कनेक्शन आपके साथ बन रहा है। तो आपके ऑडियंस को आपकी तरफ बनाए रखने के लिए आपको लेंस में बोलना बहुत जरूरी है, और बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं। वो लोग किस तरह बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप मतलब अगर आप कुछ सराउंडिंग दिखा रहे हो या आप अपने किसी दोस्त को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो अपने ब्लॉग में तो अलग बात होती है, आप तभी के लिए अपना आई कॉन्टैक्ट चेंज कर सकते हो। पर जब आप इंडिविजुअली अपने फोन के संग बात कर रहे हो, आपने कुछ बता रहे हो ऑडियंस को, तो आपने हमेशा अपने लेंस में देखकर ही बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप देखो कि लोग क्या मिस्टेक करते हैं, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो ये देखो गाइस, अभी मैं कुछ बात कर रहा हूँ बिल्कुल अपने फोन की स्क्रीन पे देख के, और अभी मैं बात कर रहा हूँ अपने लेंस में देख के, तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस पड़ता है। अब मैं अगर ऐसे ही बोलता रहूंगा अपनी स्क्रीन में देखते हुए तो आप लोग अनसब्सक्राइब तो करोगे और चैनल को छोड़ के चले जाओगे, और मैं जब ऐसे देख रहा हूँ तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना नीचे और लाइक कर देना वीडियो को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मुझे पता है कि मैंने आपको 5 टिप्स देने के लिए मतलब बताने के लिए वीडियो बनाया था, पर लेकिन मैं आपको एक बोनस टिप देना कार्ड डालूंगा जरूर चाहूंगा भाई अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक बोनस टिप, जो कि मैंने भी हाल फिलहाल में ही मुझे पता चली, और ये टिप भाई मतलब जहर, इससे जो आपके वीडियो में आपको वो मिलेगा ना इफेक्ट, वो भाई साहब मतलब क्या ही इफेक्ट मिलने वाला है आपको इसमें। तो ये जो टिप है वो होने वाली है आपकी चेंजिंग एंगल। तो इसमें आपको क्या करना है, खाली अपने वीडियोस के एंगल को अलग अलग मतलब वीडियोस को जो आप बनाओगे उसको अलग अलग एंगल में मतलब 2-3 एंगल आपने ले लेने, उसमें शूट करते रहना। अभी जैसे आपको एग्जांपल में दिखाऊं तो मैंने एक फोन रखा हुआ नीचे, तो अगर मैं अभी एंगल स्विच करूं तो कुछ आपको वीडियो ऐसी देखने मिलेगी। सो या अभी मैंने अपना एंगल स्विच कर लिया, और थोड़ा फोन का क्वालिटी थोड़ा डाउन लग रहा है, क्योंकि बाकी अपना रेडमी नोट 7 प्रो अगर आप देखो तो यार मतलब क्या वीडियो देता है यार, देख लो। कोई बात नहीं, खाली आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैंने ये किया, तो आप खुद जज कर सकते हो क्या इफेक्ट
आपको देखने को मिल रहा है और कितना मतलब अट्रैक्टिव आपकी वीडियो बन सकती है इस ट्रिक से। तो यही था भाई, आपको इतना सब कुछ सिखा दिया तुम्हारे भाई ने। अब अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो बहुत बुरी बात होगी, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो गाइस यही थी हमारी कुछ आज की वीडियो, और आई होप कि आपको ये अपने ब्लॉगिंग के करियर में बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आपको ये काम आती है या आपको ये वीडियो थोड़ी वैल्यूएबल लगती है तो यार लाइक कर देना जरूर से, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट में मुझे बताना अगर ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है तो। और सो आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, इफ यू डिड देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। देन स्टे सुपर सेक्सी डूड, एंगल चेंज कर दे तुम्हारे भाई ने, समझ रहे हो।